नेशन न्यूज पैनी नजर हर खबर। बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिमी कस्बा के कुख्यात स्मैक तस्कर उस्मान, उसके परिजनों की करोड़ों की संपत्ति जब्त करने का नोटिस। पुलिस ने उसके मकान पर ढोल बजाकर चस्पा किया। कस्बा के मोहल्ला सराय निवासी ड्रग्स माफिया हिस्ट्री सीटर उस्मान ने समूचे भारत में स्मैक तस्करी करके करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली थी। ड्रग्स माफिया स्मैक तस्करी से अर्जित की करीब 16 करोड़ की आवासीय, गैर आवासीय, कृषि जमीन, खुद के अलावा अपनी पत्नी रेहाना, बेटे फैजान उर्फ राजा बाबू, दूसरे बेटे अमान के नाम सरकारी अभिलेखों में दर्ज कराई थी। लेकिन आवासीय बिल्डिंग बगैर नक्शा की बनी होने के कारण शासन प्रशासन के निर्देश पर पुलिस ने सभी संपत्ति की जांच पड़ताल के बाद अवैध घोषित कर दिया है। पुलिस ने मंगलवार को करीब 16 करोड़ की संपत्ति का जब्तीकरण का नोटिस ढोल नगाड़े बजाकर दुकान व मकान पर चस्पा कर दिया है। कुख्यात ड्रग माफिया उस्मान और उसके परिजनों की चल संपत्ति को जिलाधिकारी बरेली महोदय के आदेश पर 14 गैंगस्टर के तहत उसकी 6 करोड़ से अधिक की चल संपत्ति को फोरफिट किया जा रहा है। फोरफिचर के संदर्भ में पुलिस और राजस्व विभाग संबंधित प्रॉपर्टी पे न केवल बैनर और फ्लेक्सी लगा रहे हैं, वरन उसकी मुनादेवी करा रहे हैं। आजाद नेशन न्यूज पैनी नजर हर खबर।